संसद टीवी की आज होगी लॉन्चिंग। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री करेंगे शुरुआत। शाम 6 बजे होगा संसद टीवी का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। बैठक को दिया चिंतन शिविर का नाम। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने दिवंगत मनोहर पर्रिकर को किया याद। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बंद मैरिज होम की रसोई में चलाई जा रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेठी में सीएमओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी महिलाएं। डॉक्टर महेंद्र कुमार तिवारी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा जुगाड़ कर ड्यूटी से रहते हैं गायब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मिलकर संसद टीवी को लॉन्च करने वाले हैं। इसका उद्घाटन शाम 6 बजे किया जाएगा। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर एक नया टीवी चैनल बनाया गया है, जिसे संसद टीवी का नाम दिया गया है। इस नए चैनल पर कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, अर्धचाषी विवेक देबरो, नीति आयोग के मुख्य अधिकारी और अमिताभ कांत, वकील हेमंत बत्रा अलग अलग शो की मेजबानी करेंगे। एक सूत्र ने बताया कि संसद टीवी को रिसर्च चैनल के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यह चैनल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की संस्थाओं से संबंधित विषयों पर हाई क्वालिटी का कंटेंट पेश करेगा। तो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा बाकी समय में जानकारी युक्त कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। कर्ण सिंह कई धर्मों के बारे में जानकारी देते नजर आएंगे तो विवेक देबरो इतिहास की बात करते नजर आएंगे। तो भारत का बदलाव विषयों पर कार्यक्रम भी संचालित होगा, जबकि हेमंत बत्रा कानूनी विषयों पर कार्यक्रम पेश करेंगे। संसद टीवी के जरिए वित्त मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार संजीव सान्याल अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा तमाम जो कार्यक्रम हैं वो जनता से जुड़े होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चुनावी बुगुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर नाराज चल रहे जाट समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए अलीगढ़ के रहने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, जिसके बाद इस पर राजनीति बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा है कि अलीगढ़ में तो एएमयू के नाम से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। एएमयू जिस जमीन पर बनी है वो जमीन कई लोगों ने दी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री जी शायद अखबार नहीं पढ़ते। अब्बा जान वाले बयान पर भी सपा सांसद ने जवाब दिया कि अब्बा जान उनके लिए पवित्र नामों में से है। हम तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे, अब्बा जान एक बहुत पवित्र और पाकीज़ा लफ्ज़ है। अब्बा के रिश्ते क्या होते हैं ये लोगों को समझना चाहिए। जो अब्बा जान कह रहे हैं उनके दो, एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते हैं वो। एक तरफ हम देश के बहुत बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर निशाना लगा रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के ऊपर भी ये निशाना लगा रहे हैं, क्योंकि ये अब्बा जान का लफ्ज़ इस देश के मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ में कोई बुराई नहीं है। मैं तो इस लफ्ज़ को बहुत महान लफ्ज़ समझता हूँ और बहुत पवित्र लफ्ज़ समझता हूँ। वहीं आगरा पुलिस जहरीली शराब से हुई मौतों के मामलों में सख्त कार्रवाई में जुट गई है। इस मामले में पुलिस ने 9 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों क्षेत्रों में दर्ज किए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जेल भेजा। इरादत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एचएस मैरिज होम में अवैध शराब बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग राजस्थान से केमिकल और अन्य सामान लाकर अवैध शराब बनाते थे और उसे अलग अलग इलाकों में बेचते थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया है और अवैध शराब बनाने के उपकरण और सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि आगरा में इन दिनों लगातार अवैध शराब बनाने का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। हजारों लीटर लहन भी पुलिस नष्ट कर रही है, लेकिन शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है। ऐसे में लगातार आबकारी विभाग जगह जगह छापेमारी कर रहा है। छापेमारी के दौरान यहाँ पर
आबकारी विभाग और पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है, लेकिन जो शराब माफिया हैं वो उनके हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जगह जगह पर हम देख सकते हैं कि चोरे छुपे अवैध रूप से शराब फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, शराब जो है वो बेची जा रही है। ऐसे में अब आगरा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, आबकारी विभाग के साथ मिलकर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जनपद आगरा में पिछले महीने अगस्त माह में जो रक्षाबंधन के बाद तीन थाना क्षेत्र में शराब पी के कुछ लोग का मृत्यु हुआ है, उसी के आधार पर पुलिस ने कई जगह छापा मारा है और कई मुकदमा लिखी है। उसके आधार पर जो पूरा गैंग है जो शराब बनी है, जो अवैध शराब जो मिश्रित शराब बनाता था, उस गैंग का पुलिस ने आज पकड़ा है। उसका मेन सरगना था जो किस जगह ये फैक्ट्री तरफ से लोग बना के बाकी थाना गांव में और ठेके में सप्लाई करता था, उसका पूरा लोग को पुलिस ने आज पकड़ा है। खासतौर से एसपी ईस्ट और एएसपी फतेहाबाद और एसपी सिटी के नेतृत्व में पूरा लगातार पिछले 15 दिन से पुलिस इसका पूरा गैंग के पीछे पड़ी थी। आगरा में एक बार फिर स्मार्ट सिटी की बदहाल तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर खुले पड़े नाले में एक कार गिर गई। कार में किसी के ना होने से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आपको बता दें कि नाला सालों से ऐसे ही पड़ा है, नाले में हमेशा गंदगी का अंबार लगा रहता है, नाले में गंदगी से बीमारियां भी लगातार पनप रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, इसके साथ साथ तमाम बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। वहीं अधिकारियों और जनप्रतिनिधि भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर नाले खुले हुए हैं, ऐसे में एक गाड़ी जो है वो नाले में जाती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं आगरा वासियों का कहना है कि आगरा में लगातार इस तरह के नाले हैं जिनकी तादाद बढ़ रही है, ना तो इन्हें ढका जाता है, कोई भी अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है और कई बार ऐसी घटनाएं हुई भी है। गनीमत रही कि गाड़ी में इस वक्त कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन खुले नालों की वजह से गंदगी भी इसमें जाकर जमा हो रही है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियां हो रही हैं। आपको बता दूं कि आगरा और आगरा के आसपास के जो जिले हैं, यहां पर वायरल बुखार लगातार अपना कहर बरपा रहा है। इसके अलावा डेंगू भी लगातार चरम पर है, इसके तमाम मामले सामने आ चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन का लचर रवैया सामने आ रहा है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की जाती है। तो स्मार्ट सिटी आगरा कही जाती है, लेकिन बदहाल तस्वीरें रोजाना आगरा से ऐसी सामने आती हैं। वहीं शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में दहेज के लालच में ससुराल पक्ष की तरफ से विवाहिता को जबरन जहर खिलाने का मामला सामने आया, जहां विवाहिता ने इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाहिता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मृतका के भाई ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि शादी के बाद से उसकी बहन के पति, सास और जेठ दहेज को लेकर मारपीट किया करते थे और 50,000 नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग करते थे। विवाहिता के परिजन गरीबी के चलते उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जबरन जहर खिला दिया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पूरा मामला शामली से सामने आया, जहां पर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष की तरफ से विवाहिता को जहर देकर मारा गया है। जो परिजन है विवाहिता के, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। निजी अस्पताल में विवाहिता ने दम तोड़ दिया और परिवार का कहना है कि लगातार लड़की से दहेज की मांग की जा रही थी, 50,000 की नकदी और मोटरसाइकिल मांग रहे थे, लेकिन परिवार गरीब था जिसके चलते दहेज की मांग पूरी नहीं कर सका। तो ऐसे में ससुराल पक्ष ने विवाहिता को जहर खिला दिया और उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश की है। शामली का एक पूरा मामला जहां पर दहेज के लालच में विवाहिता को जहर खिला दिया गया। रात्रि में 12-1 बजे के लगभग जो है एक विवाहिता की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है। आज नियमानुसार पुलिस को जैसे सूचना मिली उसका नियमानुसार मजिस्ट्रेट के माध्यम से पंचायतनामा भरा करके उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वो पीड़िता जो मरी है उसके परिजनों को सूचना के बाद उसके भाई द्वारा लिखित रूप से एक तहरीर दी गई है, जिसमें उसने पति, ननद, देवर, जेठ और सास
इन लोगों को जो अभियुक्त बनाया गया है उन लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में दहेज हत्या संबंधी जो धारा होती है अभियोग का पंजीकरण किया जा चुका है और प्रकरण में चूंकि राजपत्रित अधिकारी के स्तर से विवेचना होगी तो इसमें साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई। वहीं सहारनपुर की कुतुबशेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान भावपुर की पुलिया से भारी मात्रा में स्मैक चरस के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से बरामद स्मैक और चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ आंकी गई है। इसके अलावा आरोपियों के पास से पुलिस ने 9 लाख की नगदी भी बरामद की है। सहारनपुर के SSP डॉक्टर एस चरपन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेहराज नाम की महिला इस पूरे तस्कर गिरोह की सरगना है। उसी के संरक्षण में शमीर सुहेल और मोबिन नाम के युवक सफेद जहर का काला कारोबार कर रहे थे। गिरोह के लोग सहारनपुर के अलावा अलग अलग हिस्सों में स्मैक और चरस की सप्लाई कर रहे थे। तो पूरा मामला सहारनपुर से सामने आया जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 करोड़ की स्मैक के साथ 5 तस्कर धर दबोचे गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस पूरे गिरोह की सरगना एक महिला बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला इस पूरे गैंग को चलाती थी और अलग अलग इलाकों में स्मैक मंगवाती थी और बेचा भी किया करती थी, जिसकी वजह से तमाम युवा जो हैं वो नशे की लत में पड़ रहे थे। फिलहाल इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर लिया गया है। सहारनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। करीब 1 करोड़ के स्मैक के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ASP के नेतृत्व में थाना प्रभारी और उनके टीम द्वारा एक बड़ा स्मैक और चरस तस्कर गैंग को पकड़ लिया गया है। इसमें एक महिला सहित 4 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और इनके कब्जे से 1500 ग्राम जो चरस जिसकी जो मार्केट कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, साथ ही साथ 9 लाख रुपए नगद कैश इन लोगों के पास से बरामद हुआ है और जिस कार से ये लोग इस तरह तस्करी करते थे वो भी मिला हुआ है और इन लोगों का और क्रिमिनल इतिहास और क्या और कहां से लाते थे, किस क्या सरगना है इनका, ये भी हम लोगों ने बहुत गहराई से जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल इन 4 लोगों को लिखापढ़ी करके नियमानुसार माननीय न्यायालय के सामने पेश कर रहे हैं। वहीं सहारनपुर में एक बार फिर से बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें देहरादून की ओर से आ रही एक रोडवेज बस की सहारनपुर की ओर से जा रही एक रोडवेज बस से जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस टक्कर में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सहारनपुर जिला अस्पताल लाया गया जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस चालक की तरफ से बस अनियंत्रित होने से ये सड़क हादसा हुआ, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार घायलों का जिला अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। सहारनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 2 बस की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में करीब दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कईयों की हालत बेहद गंभीर है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक बस का जो ड्राइवर था उसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, हालांकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, ये थाना बिहारीगढ़ में ये 2 बसों के बीच में आज सुबह की घटना है, जिनमें आपस में टक्कर हो गई थी। दोनों बस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, एक देहरादून से और एक देहरादून जा रही थी। ये मोहन चौकी के पास की ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। उन सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है और बाकी इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश शातिर किस्म का स्नैचर है। स्नैचिंग के दौरान बदमाश ने एक व्यक्ति पर पत्थर से हमला कर दिया था। एडिशनल DCP रणविजय सिंह ने बताया कि सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में लगातार स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। इसको देखते हुए पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग के दौरान सामने से तेजी में एक मोटरसाइकिल आती दिखी। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा। इसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तो नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक शातिर किस्म के बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि लगातार सेक्टर 58 से जो घटनाएं हैं स्नैचिंग की, उसकी शिकायतें लगातार आ रही थी और ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में शातिर किस्म का बदमाश धर दबोचा गया है। इसके पास से तमाम मोबाइल फोन और लूट की कई सामान बरामद कर लिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे स्नैचिंग की घटनाओं को कंटेन करने के लिए हम लोग लगातार विजिलेंट हैं, हमारी टीम्स लगी हुई हैं, चेकिंग्स वगैरह में लगातार हम लोग अलर्ट रहते हैं। हम लोगों ने स्नैचिंग के पैटर्न को बहुत गहराई से भीतर एनालाइज किया है और ये देखा है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं और टाइमिंग्स हैं, उस समय ये घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। उस पर हमारी टीम लगी हुई थी, एसीपी सेकंड और इनकी जो टीम है यहाँ की क्राइम, और उसके बाद एसएचओ 58 एंड एसएचओ 24, इन सब लोगों ने मिल करके कम्बाइंड तरीके से इस तरह के गैंग्स पे काम करने का एक पूरा प्लान तैयार किया है। और उसी में आज जो संदिग्ध वाहन पे चलने वाले लोग या जो नए उम्र के लड़के जो फास्ट गाड़ी चलाते हैं, इन गाड़ियों पे हमारी नज़र थी और हम लोगों ने आज अपनी चेकिंग भी लगाई थी। ग्रेटर नोएडा के बीटाटू थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5-स्टार होटल में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली रेडीमेड गार्मेंट्स बेचने वाली 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग ब्रांडेड कंपनी के नाम पर ग्रेटर नोएडा के रेडिसन होटल में जूते कपड़े बेच रहे थे। कंपनी के ऑथराइज्ड व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने रेड मारते हुए सामान बेच रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी वहां से फरार हो गया है। इन लोगों के कब्जे से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के नकली जूते, पैंट, शर्ट बरामद हुए हैं। फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा का एक पूरा मामला, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेच रहे थे नकली गारमेंट्स, ये शख्स और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान इनके पास से भारी मात्रा में ब्रांडेड नकली जूते और तमाम जो सामान है वो बरामद किया गया है। बीटाटू थाना अंतर्गत 2 अभियुक्त शोएब और सरफराज, ये रेडिसन होटल से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 188 लुइस फिलिप कंपनी के जूते, 84 एलन सोली के शर्ट और 73 किलर कंपनी की जींस बरामद की गई है। ये इन ब्रांड के नकली बन सामान बेच रहे थे वहाँ पर, जो कंपनी के ऑथराइज वहाँ के जो डीलर हैं उनके द्वारा भेजा गया था अधिकृत प्राधिकारी को। उनके साथ बीटाटू की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में कॉपीराइट एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। संपूर्ण माल की बरामदगी करके इनको जेल भेजा गया। मऊ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब एक मॉल में फर्जी महिला शक्ति संस्था के लोगों की तरफ से विधवा महिलाओं को आजीवन विधवा पेंशन, ट्रेन में यात्रा फ्री, बस में यात्रा फ्री और महिलाओं को निशुल्क आवास देने का लालच दिया गया, जिसमें पूरे प्रदेश की महिलाएं पुरुष इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को महिला शक्ति संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल ने संबोधित किया। जब मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाया गया तो कार्यक्रम में आगे लोगों ने मंच पर ही चढ़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मौका देख राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सहित महिलाएं भागने लगी, जिसके बाद लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित महिलाओं को पकड़ लिया। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना सराय खलसी के इंचार्ज राम सिंह सहित उनकी टीम ने फर्जी महिला शक्ति संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सहित 4 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल फर्जी महिला शक्ति संस्था यहां पर चलाई जा रही थी और ऐसे में विधवा पेंशन, ट्रेन में यात्रा फ्री और तमाम सुविधाएं का लालच देकर यहां पर महिलाओं को इकट्ठा किया गया था। लेकिन जब वहां पर मीडिया कर्मी पहुंचे और रजिस्ट्रेशन मांगने लगे तो ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा पाए, जिसके बाद वहां पहुंचे लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी और जो वहां के अध्यक्ष थे संस्था के उनके साथ भी पिटाई करने लगे। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जैसे तैसे मामले को शांत कराया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
अमेठी के एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग का कारनामा देखने को मिला, जहां पर विभाग के कारनामों से परेशान सैकड़ों महिलाएं महिला किसान नेता रीता सिंह के नेतृत्व में सीएमओ कार्यालय में डेरा डालकर धरने पर बैठ गई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि डॉक्टर महेंद्र कुमार तिवारी विभाग में जुगाड़ करके सीएचसी जगदीशपुर में ड्यूटी करते हैं, जिसके चलते वो ड्यूटी से अक्सर गायब रहते हैं। इसी के साथ प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगी। अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में डंडा लेकर ये महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं और डॉक्टर पर भी गंभीर आरोप यहां पर महिलाओं ने लगाए हैं। दरअसल एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही या ये कहें कि बड़ा कारनामा देखने को मिला है, जहां पर विभाग के कारनामों से परेशान सैकड़ों महिलाएं महिला किसान नेता रीता सिंह के नेतृत्व में सीएमओ कार्यालय में डेरा डालकर धरने पर बैठी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का यह भी आरोप है कि डॉक्टर महेंद्र कुमार तिवारी विभाग में जुगाड़ करके सीएससी जगदीशपुर में ड्यूटी करते हैं, जिसके चलते वो ड्यूटी से अक्सर गायब रहते हैं। इसी के साथ प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो उनका जो धरना है वो अनिश्चितकालीन के लिए किया जाएगा। हम लोग आए हुए इस जनपद में एक संयुक्त जिला चिकित्सालय बना हुआ है, जिसमें कोई भी डॉक्टर है नहीं। 10 बजे तक, 8 से 10 के बीच में कोई डॉक्टर नहीं रहता, और वहाँ पे जो पोस्टिंग हुई है डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, वो त्रिपाठी जी कहाँ पे इलाज करते हैं ये सीएमओ साहब ही जाने। उनकी मिली भगत से जनपद मुख्यालय में जिनकी पोस्टिंग भी हुई है वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। यूपी के हाथरस जिले के बहुचर्चित हाथरस बिटिया कांड को एक वर्ष हो चुका है। एक साल बीत जाने के बाद भी बिटिया के पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सका है, इसलिए परिवार संतुष्ट नहीं है। बिटिया के परिजनों की माने तो सरकार ने उन्हें आर्थिक मदद के अलावा मकान और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मकान और नौकरी के मामले में उनके हाथ खाली हैं। सीआरपीएफ के जवान की सुरक्षा मिलने से वो अपने को सुरक्षित जरूर महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस के एक गाँव में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और उसे जान से मारने की कोशिश हुई थी। इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को दम तोड़ दिया था। इस मामले में गांव के चार आरोपी युवक अलीगढ़ जेल में हैं। सीबीआई ने मामले की जांच कर चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की हुई है। चार्जशीट पर हाथरस जिला न्यायालय में सुनवाई चल रही है। केस की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख तय है। तो हाथरस कांड को करीब एक साल हो चुका है, लेकिन अब तक परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से परिवार आज भी न्याय की आस में बैठा हुआ है। आप बता दें कि एक साल पहले यानी कि सितंबर 2020 में हाथरस में दरिंदगी की वारदात सामने आई थी, जिसने पूरे देश का जो रुख है अपनी ओर कर लिया था। इस पूरे मामले में राजनीति भी बहुत हुई थी और पुलिस की भी खूब यहाँ पर बखिया उधेड़ी गई थी, क्योंकि पुलिस ने रात के अंधेरे में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया था। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हुए और प्रदर्शन भी बहुत हुए, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय परिवार को नहीं मिल पाया है। हालांकि आरोपी जेल में बंद हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।